सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार लिग्न यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा सीसी वर्सेस टीआईटी का, जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका ओडीटी कप का, इसका मैं आपको टूर्नामेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा वो मैं देने वाला, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड टिप्स दूंगा जिससे कि काफ़ी अमाउंट विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो फ्रेंड्स जल्दी से आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता होगा, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे प्राइम ग्रुप में जो आपको तकरीबन 95% आपको विनिंग टीम मिलेगी, साथ ही साथ जो आपको 100% विनिंग टिप्स दिया जाएगा जिसको कि आप फॉलो करके और भी अमाउंट विन कर सकते हैं। अगर आप भी जो फिर ड्रीम लेन से कुछ विन नहीं कर पा रहे या फिर आप जो ड्रीम लेन पे बहुत सारा लॉस कर चुके हैं और सिंपली उस लॉस को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता होगा, आप सिंपली से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते अपने ड्रीमलैन टीम की तरफ, जहाँ की मैं आपसे के लिए पहले से टीम बना के रखा हूँ। बात करते हैं फिर से विकेट कीपर सेक्शन की, तो देखिए आपके पास विकेट कीपिंग में एक ऑप्शन बस रहे थे फ्रेंड्स, हेनरी क्लासन का, बाकी थे फिर बात करते हैं ऐसे और कोई सेफ ऑप्शन रहने वाला है नहीं, तब इनमें से किसी को भी ट्राई ना करें। क्लासन की बात करते हैं फिर, तो आपको पता ही होगा कि बहुत से इंटरनेशनल मैचेस में इनको चांस मिल चुका और बहुत से मैचेस ये खेल भी चुके हैं। हालांकि अभी जो है थे फिर साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल टीम में भले हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत समय पहले ये हिस्सा रहे थे और अब काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी दिखे। हाल ही में थे फिर जो ग्लोबल कनाडा लीग हुआ था उसमें भी अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया था, साथ ही साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए थे। ग्लोबल कनाडा में जो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और अपनी टीम के लिए तकरीबन लीडिंग स्कोरर भी रहे थे, और यहाँ से फिर फाइनल मैचेस में जो इन्हीं के बदौलत पे जो है इनका टीम फाइनल विन भी की थी, तो इसी को ध्यान में रखते हैं मैं इनका अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। क्लासन की बात करते फिर, तो आप देख सकते हैं तकरीबन तीनों मैचेस ही अपनी टीम के लिए, जिसमें कि लगातार जो है अपनी टीम के लिए दो मैचेस में 50+ के आसपास स्कोर किया और बाकी के लास्ट मैच जो तकरीबन 30 या 40 रन के आसपास जो स्कोर करके दिए, यानी फिर तीनों के तीनों मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। क्लासन की बात करते फिर, तो ये कंसिस्टेंट प्लेयर है, खास करके साउथ अफ्रीका के जो डोमेस्टिक मैचेस है तो उसमें इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। बाकी क्या थे फिर, दुनिया भर की T20 लीग की बात करें या फिर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो उसमें ये थोड़ा सा अनकंसिस्टेंट दिखता है, लेकिन यहाँ से फिर जो है ये अपने जो साउथ अफ्रीका की ODD कप होती है या फिर कोई अदर्स डोमेस्टिक मैचेस होती है उसमें इनका परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंट रहता है, तो आप चाहते हैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छे चॉइस रहने वाले हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो पीटर मिलान को ले सकते हैं। पीटर मिलान की बात करते हैं फिर, तो ओपन करते नजर आएंगे या फिर कैप कोबरा की तरफ से, तो आपको इस बात का आपको ध्यान देना है। मिलान के अगर रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं फिर, तो रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है, दो या तीन मैचेस अपनी टीम के लिए खेले जिसमें कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को दे दिए। फर्स्ट मैच में 100+ के आसपास स्कोर किया, लास्ट मैच जो उसके बाद वाले मैचेस में उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट मैच में जो 50+ के आसपास स्कोर करके दिए, तो आप चाहते हैं उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मिलान की बात करते हैं फिर, तो ये भी जो एक ठीक ठाक प्लेयर है, ऑलमोस्ट डोमेस्टिक मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। हालांकि फ्रेंड्स इस साल जो है इनसे ओपन कराया जा रहा है, इससे पहले जो नेक्स्ट ईयर जो मैचेस खेले थे उसमें इनको जो है तकरीबन बहुत से स्टार्टिंग मैचेस में तो इनको खिलाया ही नहीं गया था, लेकिन बाद में जो टूर्नामेंट एंड होते हो तो इनको दो तीन मैचेस में चांस दिया गया था, लेकिन उसमें ये नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करने आ रहे थे। हालांकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस सीजन पर जो इनको ओपन कराया जा रहा है, क्योंकि सबसे मेन इनका रीज़न है फॉर्म इनके साथ है, डोमेस्टिक मैचेस जो खेले हैं उसमें अपने टीम के लिए हाइस्ट लीडिंग स्कोरर भी रहे थे, तो इसी के लिए आप चाहते इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं जानेमन मेलन और एडम मार्करम, ये दोनों से रिलेटिव अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आया है। हालांकि यहाँ फ्रेंड्स ये न्यूज खुल के आ रही है फ्रेंड्स एडम मार्करम जो स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई कंफर्म है नहीं, लेकिन अगर फ्रेंड्स इनसे रिलेटिव इन दोनों से रिलेटिव मुझे कुछ भी न्यूज वगैरह मिलता तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो आपको इसमें से रिलेटिव आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह रहेगा वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा टेलीग्राम का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं।
बात करते हैं फिर से आप हमजा को ट्राई कर सकते हैं। हमजा की बात करते हैं फिर तो ये आपको नंबर तीन पे बैटिंग करता नजर आएंगे, तो आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हमजा की बात करते हैं फिर तो अच्छे प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके ये भी दे रहे, लास्ट में से ऑलमोस्ट जो है तकरीबन सेंचुरी प्लस के आसपास जो स्कोर करके दिए थे, तो इसी के लिए इनको मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। देख सकते हैं फिर उससे पहले वाले मैचेस में भी 50 प्लस के आसपास स्कोर किए, हालांकि फर्स्ट मैच भले उतना कोई खासा फॉर्म में नहीं देखे, लेकिन बाकी के दो मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगातार दो मैचेस में 50 प्लस के आसपास स्कोर करके दिए हैं, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। तो बाकी फिर बात करते हैं, आप चाहे तो हेनरी डेविस को ट्राई कर सकते हैं। हेनरी डेविस की बात करें तो फिर ये टूर्नामेंट के सबसे बड़े प्लेयर है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, लेकिन मैं इनको अपनी टीम में इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इनसे काफ़ी अच्छे मुझे प्लेयर मिल रहे थे ऑलराउंडर सेक्शन पे, और आप जो है इस मैच में किसी भी ऑलराउंडर को अपनी टीम से ड्रॉप करके बिल्कुल भी ना दें। हेनरी डेविस की बात करते हैं फिर तो नेक्स्ट ईयर जो अपनी टीम के लिए बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, साथ ही साथ अपनी टीम के सबसे मेन की प्लेयर थे और सबसे मेन बैट्समैन भी थे, लेकिन हेनरी डेविस की बात करते हैं फिर तो ये अभी भी मेन बैट्समैन है, लेकिन फॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जैसा फॉर्म नहीं दिखा, हालांकि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं और कंसिस्टेंस भी, यानी फिर अटैक करके भी खेलते हैं और कंसिस्टेंस आपको स्कोर भी बना के देंगे, ये इस टाइप के प्लेयर है। बैटिंग की बात करते हैं फिर तो ओपन करने आते हैं फिर TIT की तरफ से, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, लेकिन मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास अच्छे खासे ऑलराउंडर के ऑप्शन है, तो इसी के लिए मुझे जो इनको अपनी टीम से ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ फिर लास्ट टाइम पर जो है प्लेइंग 11 पे कोई चेंजेस होता है और मुझे लगा कि हेनरी डेविस को अपनी टीम में लेना चाहिए, तो फिर मैं हेनरी डेविस को अपनी टीम में ट्राई कर लूंगा क्योंकि एक मैच विनर प्लेयर है, तो इसी के लिए आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो उसमें भी आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी थे फिर बात करते हैं आप इसे डीन एल्गर को ट्राई कर सकते हैं। एल्गर की बात करते हैं फिर तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। एल्गर की बात करते हैं फिर देखिए यहाँ से चाहे तो TIT की टीम इनसे ओपन भी करा सकती है या फिर इनसे नंबर तीन पे भी बैटिंग करा सकती है, ये सारा का सारा डिसीजन जो है TIT के टीम मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा कि इनसे ओपन कराया जाए या फिर ये नंबर तीन पे खेला जाए। ये दो बैटिंग ऑर्डर में से कोई एक बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करने वाले हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एल्गर की बात करते हैं फिर तो ये आपको जो है तकरीबन बैटिंग के साथ साथ 5 से 6 बार आपको बॉलिंग भी करके देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। हाल ही में है फिर जो साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किए थे, और हाल ही में थे फिर टेस्ट मैचेस में तो ये डबल सेंचुरी भी लगाए हैं, तो आप चाहे तो उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। बाकी अगर फ्रेंड्स आप बात करते हैं कोई ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहा है, तो आप यहाँ फिर चाहे तो फियाज बिहारदीन या TD बर्नी को ट्राई कर सकते हैं। फियाज बिहारदीन थोड़े उतना कोई खासा प्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ फिर बात करते हैं बर्नी की, तो ये बहुत बड़े प्लेयर है, खास करके ODI का और साउथ अफ्रीका का जो ODI मैचेस होता है उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बर्नी की बात करते फिर तो बर्नी जो नेक्स्ट ईयर जो खेला गया था साउथ अफ्रीका का T20 का जो सीरीज होता है उसमें भी अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, जो कि यहाँ से फ्रेंड्स मजानसी लीग होता है उसमें बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किए थे। साथ ही साथ यहाँ से जो इनका मतलब साउथ अफ्रीका का जो ODD कप हुआ था उसमें तो ये अपनी टीम के लिए लीडिंग स्कोरर रहता है, हालांकि उस टाइम पर जो है ये अपनी टीम के लिए ओपन करने आते थे, लेकिन यहाँ पर ये मुझे नहीं लगता कि जो इस मैच में ये ओपन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स ऑलरेडी जो है यहाँ से TIT के पास 2-3 ओपनर हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनको ओपन कराया जाएगा, लेकिन अगर फ्रेंड्स ये ओपन करते तो फिर आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर ये भी और ये भी काफ़ी जो है हिटिंग करके मतलब मैच को खेलते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो आप ऐसे फिर TD जोर्जी को ट्राई कर सकते हैं। जोर्जी भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले, अच्छे प्लेयर है, आप चाहे तो इनको अभी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। जोर्जी की बात करते हैं फिर तो ये जो इनका कोई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म है नहीं, हालांकि लास्ट के 2-3 मैचेस में इनसे ओपन जरूर कराया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में ओपन करेंगे भी या नहीं, क्योंकि आते फिर TD बर्नी भी ओपन करने के लिए और TD जोर्जिया भी है, तो दोनों में से कौन ओपन करेगा ये सारा का सारा टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मुझे लास्ट टाइम पे कोई इन दोनों से रिलेटिव कोई न्यूज़ वगैरह आता है कि या तो फिर जोर्जी ओपन करेंगे या फिर बर्नी ओपन करेंगे, ये दोनों में से मुझे कोई अगर न्यूज़ आता तो आपको जो हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी तो फिर बात करते हैं ऐसे और कोई अच्छा ऑप्शन रहने वाला है नहीं, तो अपने में से किसी को भी ट्राई ना करें। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं फिर सब ऐसे जेसन स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं। स्मिथ की बात करते हो तो आपको पता ही होगा कि ये किस टाइप के प्लेयर है और इनका फॉर्म भी ठीक ठाक रहा, तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। स्मिथ की बात करते फिर तो लास्ट मैच बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 विकेट भी निकाल के दिए, 50 रन भी बनाए, उससे पहले वाले मैचेस में भी 1 विकेट निकाले, बैटिंग से उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे फिर विकेट जो हर मैच में 2-1 विकेट करके निकाल रहे हैं, तो आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि बैटिंग
बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके देंगे, साथ ही साथ आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे बैटिंग ऑर्डर की, तो ये आपको नंबर 4 पे बैटिंग करते नजर आएंगे थे फ्रेंड्स कैप कोबरा की तरफ से, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इनको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, वही पूरे 10 ओवर, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बाकी जैसे बात करते हैं क्रिस मॉरिस, ये अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में आप इनको अपनी टीम में ट्राई ना करें, हालांकि अभी तक तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया और ये अभी तक स्क्वाड के भी साथ नहीं जुड़े हैं, तो ऐसे में आप इनको अपनी टीम से अभी अवॉइड करके ही चले तो आपके लिए बेस्ट होगा। फिलहाल ऐसे फिर बात करते हैं आप जॉर्जिया लिंडे को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको नंबर 5 पे बैटिंग करते नजर आएंगे। जेसन स्मिथ के बाद जो इन्हीं का बैटिंग आता है, और बहुत अच्छे प्लेयर, ये भी काफ़ी अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, अटैक करके ये खेलते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बॉलिंग की बात करते हैं फिर, तो बॉलिंग ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इस बात का आपको ध्यान देना, ये आपको पूरे 10 ओवर बॉलिंग करके देंगे, साथ ही साथ बैटिंग आने पर काफ़ी तगड़ी बैटिंग भी कर देते हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छा चॉइस रहने वाले, क्योंकि आपने ऐसे फिर जितने भी मैचेस खेले आप सभी के सभी मैचेस में दे सकते हैं, बैटिंग से भी स्कोर करके दिए, साथ ही साथ बॉलिंग से भी विकेट निकाल के दिए, तो ऐसे में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। बाकी जो फिर बात करती है, दोनों के दोनों रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आप इन दोनों को ट्राई बिल्कुल भी ना कीजिए। फिलहाल आप इधर फ्रेंड्स हार्डलेस विलियन को ट्राई कर सकते हैं। विलियन की बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि T20 ब्लास्टमैन का किस टाइप का परफॉर्मेंस रहा था, तो आप चाहे तो उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते, या फिर आप चाहे तो हार्डलेस विलियन की जगह में आप इधर फ्रेंड्स हेनरी डेविस को भी ट्राई कर सकते। ये दो ऑप्शन है, आप इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते। मैं विलियन को इसलिए ट्राई करूँ क्योंकि बैटिंग आने पर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, और बॉलिंग तो इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसी के लिए आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी टिफिन बात करते हैं, ऐसे और कोई अच्छा ऑप्शन रहने वाला है नहीं, तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई ना करें। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप ऐसे गेलमिन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये उतने कोई खासा फॉर्म में है नहीं, अगर यहाँ 2-3 मैचेस को छोड़ दिया जाए तो, अगर यहाँ से फिर बात करते हैं यहाँ से ये 3 मैच को छोड़ दिया तो इससे पहले जो डोमेस्टिक मैचेस के लिए तो उतना कोई खासा फॉर्म में मुझे नहीं दिखे थे, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगता हो तो आप ऐसे फ्रेंड्स हार्डलेस विलियन को हटा के आप ऐसे डी गोलमिन को ट्राई कर सकते हैं, ये आपको डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। गोलमिन की बात करते हैं फिर, तो मैं इसको इनको जो इसलिए भी मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी बैटिंग करते थे कभी बॉलिंग नहीं, तो कभी बॉलिंग करते थे कभी बैटिंग नहीं, फ्रेंड्स आपको दोनों कभी नहीं करके देने वाले हैं, तो इसी के लिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बाकी से फिर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो लुंगी एंगडी खेलने वाले हैं नहीं, तो आपने बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। साथ ही साथ डैन पेट्रियोस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इनका भी कोई कंफर्म नहीं है, तब ये शमसी भी नहीं खेलेंगे, जूनियर डाला भी नहीं खेलेंगे। फिलहाल आप ऐसे फिर कैलविनडेट को ट्राई कर सकते हैं, कैलविनडेट जो आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले, आप चाहे तो उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। सीसी की तरफ से जो लगातार ये विकेट निकाले, तकरीबन 2 मैचेस खेलने का मौका मिला है, और दोनों के दोनों मैचेस में इनको विकेट निकाल के दिए, अपनी टीम को विकेट निकाल के दिए। हालांकि लास्ट मैच इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है कि इनको जो चांस दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से लगातार विकेट निकाल रहे हैं। वही बात करते हैं फिर डी पाइट को ट्राई कर सकते हैं, पाइट भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन बन जाएंगे, तो 3 मैचेस के लिए, जिसमें क्या फिर से अपनी टीम के लिए 3 विकेट निकाल चुके हैं। पाइट की बात करते हैं फिर, तो बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी जो फिर बात करते हैं आप इसे नीटिनी को ट्राई कर सकते हो, जो कि लास्ट मैच अपनी टीम के लिए 1 विकेट निकाले, तो उससे पहले वाले मैच में भी 1 विकेट निकाले, और उससे पहले मैच में 4 विकेट, यानी फिर 3 मैचेस के लिए जिसमें कि अपनी टीम के लिए 6 विकेट निकाल चुके हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, तो ऐसे में मैक को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक को इसलिए भी अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास उतना कोई खासा अच्छा ऑप्शन था नहीं, तो इसी के लिए मैं मैक को ट्राई कर रहा हूँ। आप चाहते हैं फ्रेंड्स किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स मैक के अलावा जो कोई और मतलब सेफ ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, तो आपको जो है मैक को ही अपनी टीम में ट्राई करना पड़ेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, जैसे मैं जेसन स्मिथ को कैप्टन दे रहा हूँ, वही वाइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे मैं हमजा को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ, क्योंकि हमजा एक बेटर प्लेयर है कंपेरिजन टू अदर्स बैट्समैन के, अच्छे फॉर्म में चल रहे, तो इसी के लिए मैं उनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। आप चाहते हैं पीटर मिलान को भी दे सकते हैं, टी डी जॉर्जिया को दे सकते हैं, या फिर आप जैसे जॉर्जिया लिंडे को भी वाइस कैप्टन दे सकते हैं, या फिर कैप्टन दे सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सीसी के मैं 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ से फिर बात करते हैं टीआईटी की, तो मैं इनके भी 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो सीसी के 4 बॉलर थे, फिर टीआईटी के 2 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, तो फिर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।